डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन में क्वेश्चन ये है, सपोज ये सरफेस है, सपोज ये एक साइकिल चला रहा है कोई स्टूडेंट, ये एक टायर, ये दो टायर, ये पिछला टायर, ये अगला टायर, और ये पेडल मार रहा है, और यहाँ पर एक चेन लगी हुई है, ये लो, ठीक है, पेडल पीछे से लगेगा, साइकिल आगे जाएगी, बंदा कहीं बैठा होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे, टायर देखने हैं मुझे, दोनों टायर्स ऐसे आगे जा रहे हैं, पेडल वो यहाँ पे मार रहा है, क्वेश्चन है दोनों टायर में फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी है बस, ओके, कितने लोग बोलते हैं फ्रिक्शन दोनों टायर्स में लेफ्ट है, कितने बोलते हैं फ्रिक्शन राइट है, कितने बोलते हैं एक में राइट है एक में लेफ्ट है, और कितने बोलते हैं एक में लेफ्ट है एक में राइट है, ओह बहुत कन्फ्यूजन हो गई, ठीक, इसका आंसर पता है क्या है, इसका आंसर है आपने सही रूल लगाया, मैं तो आपको बोला ही नहीं आप नहीं गलत लगाएंगे, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका आंसर है इसके अंदर फ्रिक्शन फॉरवर्ड है और इसके अंदर फ्रिक्शन बैकवर्ड है ना, कमाल की चीज़ घुमा दिया ना, ये हुआ क्या, ये कैसे हो सकता है यार, दोनों टायर एक जैसे, मैंने तो कंपनी भी सेम रखी थी और टायर जल भी सेम डायरेक्शन में रहे हैं, ये नहीं हो सकता, बोलो है ऐसा ही आंसर है, अच्छा ठीक है, कुछ कुछ सही है, गलत भी नहीं कह सकते इसे, देखो जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो मैं भी बड़ा कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा ये क्या हो गया यार, मैं ये कैसे जस्टिफाई करूं, क्योंकि अगर मैं इसमें बोलता हूं कि चल यार फ्रिक्शन पीछे है तो फिर ठीक है मैं कैसे भी जस्टिफाई करूं, फिर लोग बोलेंगे इसमें पीछे है, और अगर मैं ये बोलता हूं इसमें आगे है तो फिर लोग इसमें भी आगे है, दो डिफरेंट नहीं हो सकती कम से कम, तो ये बहुत ही क्रिटिकल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर यही है, आप मार्क भी मत कराना कि भी पीछे एक तरफ है या आगे एक तरफ, बिल्कुल भी नहीं, यही आंसर है, तो इसको फिर मैंने ऐसे सोचा, बहुत लोगों ने बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से सिखा रखा है, आप YouTube पे देखेंगे बहुत बढ़िया एनिमेशन मिलेगा आपको, मतलब कोई अंग्रेज चला रहा होगा साइकिल और उसमें बहुत एनिमेशन जबर तरीके से नीचे फ्रिक्शन दिखाते भी हैं, लाना भूल गया मैं, मेरे पास पड़ी भी हुई थी, चलो कोई बात नहीं, तो इसका आंसर मैंने ऐसे ढूंढा कि यार ये कैसे आंसर, देखो मैं ये तो नहीं निकाल पाया कि हाँ ऐसा आंसर होगा, ये पहली बार मैं भी सोच नहीं पाया कि ऐसा आंसर होगा, जैसे आप सोच रहे हैं ऑब्वियसली मेरा ब्रेन भी ऐसे सोच रहा है, जब पहली बार फ्रिक्शन की तो ठीक है यार कि ये वाला टायर का पार्टिकल इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, मैं ऐसे ही मैंने रूल लगाया, नहीं आया आंसर, तो फिर मैंने एक चीज़ देखी कि अगर मैं यहाँ पे देखो ये टायर में पेडल लग रहा है, ये पेडल इसमें लगा रहा है, पीछे जोर लगता है तो पेडल पीछे जोर लगाएगा और इस टायर को क्या करवाएगा, एक्सलरेट, इस टायर को एक्सलरेट करवाएगा, और आज मैंने आते ही ये बताया जब भी किसी भी टायर को एक्सलरेट करवाते हैं स्पीड बढ़ाते हैं तो एक्सलेशन आपको हेल्प करती है, तो ये तो गारंटी है कि फ्रिक्शन की वैल्यू इसके अंदर तो आगे होगी ही होगी, क्योंकि अभी हमने रूल किया कि एक्सलरेट करेगा तो इसमें फ्रिक्शन आगे है, ठीक है लॉजिक है, चलो एक तो फैसला हो गया, एक तो क्योंकि इससे पहले की भूमिका मैं मान चुका था इंट्रोडक्शन, उन्हें बता दिया था टायर एक्सलरेट करेगा तो फ्रिक्शन आ गया, तो आधा आंसर मैं दे चुका हूं, दूसरा आंसर फिर उसके साथ क्या हो रहा है, देखो वो एक्सलरेट नहीं कर रहा, वो बिल्कुल भी एक्सलरेट नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ आपके हैंडल की सपोर्ट के लिए रखा गया है बस, आप इस टायर की जगह कुछ ना करें, एक गत्ते का डिब्बा ले लें या कोई ऐसा डिब्बा ले लें जो आपका वेट सह सके, आप मत लगाएं, आप वो डिब्बा लगा लें, ठीक है आप कुछ ना करें, आप एक बॉक्स लगा लें सिंपल, साइकिल तो तब भी चलेगी, स्लो चलेगी, अटक अटक के चलेगी, पर साइकिल तो फिर भी चलेगी, अब बताओ इसकी सरफेस, अब इसका काम क्या है, सिर्फ सपोर्ट देने का, और इसका काम है जो यहां से एक्सेलरेशन है वो आगे ट्रांसफर हो रही है और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये खुद एक्सेलरेशन जनरेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा, उल्टा इसका बस अगर चले और ये बहुत भारी कर दूं तो ये आपकी साइकिल को चलने भी ना दे, तो ये आपकी साइकिल को चलने नहीं दे रहा, वो सपोर्ट कर रहा है और गोल टायर इसलिए बना रखा है ताकि उसका पहिया भी घूमे और थोड़ी साइकिल स्पीड से चल पड़े, पर अदरवाइज इसका काम एक्सेलरेशन जनरेट करना नहीं है, और जिसका काम एक्सेलरेशन जनरेट करने का नहीं है उसकी फ्रिक्शन कभी भी उसकी तरफ नहीं होती, तो उसकी फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है, तो आप अगर डिब्बा भी रख देंगे तो एक डिब्बा जो है स्लाइड करता हुआ आगे जाएगा और फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, पीछे ही लगेगी, तो जो टायर्स एक्सेलरेट करते हैं उनमें ही फ्रिक्शन आगे हेल्प करती है, जो खुद एक्सेलरेशन जनरेट नहीं करते उनमें फ्रिक्शन क्यों आगे लगेगी, उनमें फ्रिक्शन तो
पीछे लगेगी। मैं अगर चलना चाहता हूँ तो अपना जोर पीछे लगाऊंगा, मैं चाहता हूँ मैं एक्सलरेट करूँ यार, अगर मैं जोर ही नहीं लगाऊंगा तो फ्रिक्शन को क्या पड़ी है, मैं भी जोर धक्का मारती रहेगी बैठ के। तो मैं अगर जहाँ पेडल मार रहा हूँ वो एक्सलरेशन जनरेट कर रहा है, वहाँ फ्रिक्शन हेल्प कर रही है, बाकी जगह फ्रिक्शन हेल्प नहीं करेगी। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज़ ये मार्क करना। इसकी डिटेल रोलिंग मोशन के अंदर आएगी, रोटेशनल मोशन का पार्ट है ये। मैंने इसलिए मार्क करवाया क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव के बुक्स के अंदर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछ लेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको बिल्कुल बुरा लगेगा कि यार ये क्या हुआ, इतनी फ्रिक्शन करने के बाद मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन बता नहीं पाया कि साइकिल के अंदर फ्रिक्शन कैसी होती है। इस फ्रिक्शन के चैप्टर इसका कोई लेना देना नहीं है वैसे, ठीक है।